आप अपनी इंजीनियरिंग का क्या यूज करेंगे बैंकिंग, तो आप जब ये सब बोलेंगे ना तो ये बचकानी लगती है चीजें अपीयर होना होता है उसके चार साल के दौरान। मेंटल ब्लॉक की कंडीशन पैदा हो या एक्सिस प्रेशर हम फील करें, मैं हमेशा बैंक के लिए एक एसेट ही रहूंगा। गुड इवनिंग बच्चों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, और एमबीबीएस का इंटरव्यू तो अभी होने वाला है, रिजल्ट्स आ गए हैं, तो बैंकिंग इंटरव्यू में चाहे एमबीबीएस हो या किसी भी इंटरव्यू में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हर एक इंटरव्यू जो मुझसे पूछा गया था, कि आरबीआई के इंटरव्यू में भी, यूपीएससी में भी पूछा गया था, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे हैंडल करेंगे? कुछ कॉमन क्वेश्चंस के सीरीज में ये आगे मैं क्वेश्चन जो है वो लेके आया हूँ आपके लिए। ये खासकर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं जिनको जवाब देने में धर्म संकट जैसा महसूस हो जाता है, और फिर वो इस पर कुछ ऐसा जवाब दे देते हैं जो बहुत फनी सा होता है, या जो पैनलिस्ट होते हैं वो बहुत इरिटेटिंग उनको फील होता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस पे एक बनाऊं वीडियो, और वही वीडियो है ये। तो ये इसमें क्वेश्चन क्या है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को ये पूछा जाता है कि आप अपनी इंजीनियरिंग का क्या यूज करेंगे बैंकिंग में, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं। मैं यहाँ खासकर बैंक को ध्यान रखते हुए बता रहा हूँ, तो बैंकिंग में क्या यूज होगा आपकी इंजीनियरिंग का। देखिए बच्चों, ये हमेशा पूछा जाता है, और मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो बोलने लगते हैं कि जैसे कि कंप्यूटर होता है बैंक में तो हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं, टेक्नीशियन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनेट का कुछ दिक्कत आएगा तो हम लोग ठीक कर सकते हैं, बैंक का इससे पैसा बच जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, बैंक के पास एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है, बहुत बड़ा एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जिसमें वेंडर्स होते हैं, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के टेक्नीशियंस होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, जो पूरे के पूरे सीबीएस सिस्टम, जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का सिस्टम है उसको संभालते हैं। एक्सटर्नल कोई इशू हुआ एटीएम से रिलेटेड, उसके लिए अलग वेंडर होता है जो एटीएम को पूरा देखता है। तो पूरा का पूरा एक एम्पायर होता है, ठीक है ना, एक एम्पायर होता है बैंक के पास, जिसके पास, और इंटरनल इश्यूज के लिए उन्होंने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स को रिक्रूट करके रखा है, आईटी से रिलेटेड है, और डिफरेंट स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स हैं बैंक के पास। आप एज अ पीओ एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर है, ठीक है, तो एक जनरलिस्ट ऑफिसर है, तो आप जब ये सब बोलेंगे ना तो ये बचकानी लगती है चीजें। आपका काम ये होगा कि बस एक थोड़ा सा, मतलब 2 सेकेंड्स के लिए, तो 2-3 मिनट में फोन पे बात करेंगे और तुरंत टेक्नीशियन हाजिर होता है, उसका पूरा सेटअप है बैंक के पास ठीक करने के लिए, आपको वो नहीं करना है। बैंक का अदर काम इतना होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का कि वही करते करते आप परेशान रहे, तो आप इस तरह की बातें ना करें। वेंडर होता है उसके लिए, बनाने के लिए वेंडर भी छोटा मोटा कोई नहीं है, इंफोसिस है, टीसीएस है, बड़े बड़े वेंडर्स बैंक ने रखे हुए हैं, जिनका एजेंट, जिनका टेक्नीशियंस आके काम करता है, और जितनी दिन जरूरत पड़ती है आके काम करेगा। एटीएम से रिलेटेड सेपरेट वेंडर, तो वही मैं कहना चाह रहा था कि इस तरह की चीजें आप ना बोले, ये बचकानी लगती है, पैनलिस्ट मुस्कुरा देंगे, हंस देंगे, नंबर कुछ भी नहीं देंगे इस क्वेश्चन के आंसर पे। तो आप सोच रहे होंगे आपकी बोले क्या क्या इसमें बोला जाए, आइए मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने भी इंजीनियरिंग करी हुई है, और एज एन इंजीनियर ग्रेजुएट ही मैं गया था, अपियर हुआ था वेरियस इंटरव्यूज में। तो आइए बच्चों, अब मैं बताता हूँ बैंक को ध्यान में रखते हुए कि क्या बोले इस क्वेश्चन पे। आपको ये बोलना है कि सर, मैंने 4 सालों के स्टडीज के दौरान, एज सच तो मैंने जो पढ़ाई की है, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, या कुछ ऐसा हो, जो भी ट्रेड्स होते हैं उनका, एज सच एज अ जनरलिस्ट ऑफिसर तो मैं इसको यूज नहीं कर सकता, लेकिन जो स्किल्स मैंने डेवलप की है, जो एनालिटिकल स्किल्स डेवलप की है, जो मैंने ये पढ़ाई की है, हमेशा क्या होता है कि एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को एक जनरल ग्रेजुएट से लगभग दोगुना सब्जेक्ट्स में अपीयर होना होता है उसके 4 साल के दौरान। लैब्स उसको ज्यादा करते हैं, एक साइंस ग्रेजुएट से ज्यादा लैब्स का एग्जाम देना पड़ता है, लैब का पेपर्स होता है। इस तरह से हमें किसी भी मैटर में माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करने का एक स्किल डेवलप हो जाता है, बहुत ज्यादा लैब पेपर देने के कारण, बहुत ज्यादा पेपर्स में अपीयर होने के कारण एक स्ट्रेस को झेलने की भी क्षमता हमें ज्यादा डेवलप हो जाती है। और फिर इसमें आप एक बात कहेंगे कि कभी ऐसी कंडीशन नहीं आती है जिसमें थोड़ा मेंटल ब्लॉक की कंडीशन पैदा हो या एक्सिस प्रेशर हम फील करें,
और जैसे जैसे अगर अगर बैंक बैंक की की बात बात करें, करें, अब अब तो तो ये ये हो हो गया गया कि कि मेरा मेरा स्किल स्किल सर सर इस इस तरह तरह से से डेवलप डेवलप हुआ हुआ है। है। आज आज के के डेट डेट में में जब जब बैंक बैंक की की स्थिति स्थिति है है कि कि ये ये बहुत बहुत डाइवर्सिफाइड डाइवर्सिफाइड हो हो गया गया है, है, इसका इसका जो जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट है, है, इसका इसका जो जो काम काम है, है, इसका इसका जो जो वर्क वर्क प्रोफाइल प्रोफाइल है, है, बहुत बहुत डाइवर्सिफाइड डाइवर्सिफाइड है। है। बहुत बहुत तरह तरह की की चीजें चीजें हो हो रही रही है है इंटरनल इंटरनल मैनेजमेंट मैनेजमेंट से से लेके, लेके, मतलब मतलब एक एक ऑफिस ऑफिस के के अंदर अंदर से से लेके लेके गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स है, है, वेरियस वेरियस न्यूमरस न्यूमरस काइंड काइंड ऑफ ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स हैं हैं जिसको जिसको हैंडल हैंडल करता करता है है बैंक, बैंक, और और उसके उसके लिए लिए बहुत बहुत एनालिटिकल एनालिटिकल माइंड माइंड की की जरूरत जरूरत होती होती है, है, जो जो हमने हमने डेवलप डेवलप किया किया है है अपनी अपनी 4 साल4 साल की की पढ़ाई पढ़ाई के के दौरान। दौरान। तो तो उस उस एनालिटिकल एनालिटिकल मेंटल मेंटल सेटअप सेटअप के के साथ, साथ, उस उस एनालिटिकल एनालिटिकल माइंड माइंड सेटअप सेटअप के के माइंड माइंड सेट सेट के के साथ, साथ, उस उस स्किल स्किल के के साथ साथ हम हम लोग लोग इस इस तरह तरह के के बड़े बड़े स्तर स्तर पे, पे, और और जो जो इतना इतना बड़ा बड़ा सेक्शन सेक्शन बन बन गया गया है, है, इतना इतना बड़ा बड़ा स्फेयर स्फेयर में में बैंक बैंक काम काम करने करने लगी लगी है, है, उसके उसके कारण कारण से से हम हम जैसे जैसे लोगों लोगों को को बहुत बहुत आराम आराम से से हम हम इस इस प्रेशर प्रेशर को को झेल झेल पाएंगे, पाएंगे, बहुत बहुत आराम आराम से से हम हम एनालिटिकली एनालिटिकली इनको इनको ऑब्जर्व ऑब्जर्व करके करके हम हम प्रॉपर प्रॉपर जो जो भी भी प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स बैंक बैंक के के होते होते हैं हैं उसका उसका एलोकेशन एलोकेशन कर कर पाएंगे, पाएंगे, उसकी उसकी मार्केटिंग मार्केटिंग कर कर पाएंगे, पाएंगे, कभी कभी हमें हमें ये ये दिक्कत दिक्कत महसूस महसूस होने होने ही ही होगी। होगी। और और एक एक सबसे सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात बात और और भी भी है है इसमें इसमें कि कि जो जो लोन लोन हम हम देंगे देंगे एज एज एन एन ऑफिसर, ऑफिसर हम हम जा जा रहे रहे हैं, हैं, हमें हमें लोन लोन लेने लेने का का जो जो सैंक्शनिंग सैंक्शनिंग पावर पावर अथॉरिटी अथॉरिटी मिलेगी, मिलेगी, तो तो लोन लोन जब जब हम हम देंगे देंगे तो तो जो जो इंडस्ट्री इंडस्ट्री रिलेटेड रिलेटेड लोन्स लोन्स हैं, हैं, जो जो ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल से से मशीनरी मशीनरी से से रिलेटेड रिलेटेड लोन्स लोन्स हैं, हैं, तो तो अगर अगर उसमें उसमें कोई कोई हमें हमें ब्लफ ब्लफ करने करने की की कोशिश कोशिश करेगा करेगा अपने अपने डेटा डेटा से से रिलेटेड रिलेटेड मैटर्स मैटर्स को को लेके, लेके, तो तो वो वो कभी कभी बेवकूफ बेवकूफ नहीं नहीं बना बना सकता। सकता। हम हम माइन्यूट माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन कर कर सकते सकते हैं, हैं, और और इसके इसके द्वारा द्वारा हम हम एक एक बेहतर बेहतर इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन कर कर सकते सकते हैं। हैं। इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन के के दौरान दौरान कोई कोई व्यक्ति व्यक्ति हमें हमें बरगला बरगला नहीं नहीं सकता सकता है है कि कि ऐसे ऐसे नहीं, नहीं, ऐसे ऐसे होता होता है, है, क्योंकि क्योंकि हमें हमें जानकारी जानकारी है। है। कुछ कुछ ना ना कुछ कुछ बेसिक बेसिक आइडिया आइडिया मशीनरी मशीनरी से से रिलेटेड रिलेटेड इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रिकल्स का का हो हो गया, गया, या या किसी किसी भी भी सेक्शन सेक्शन में, में, आज आज के के डेट डेट में में एमएसएमई एमएसएमई सेक्टर सेक्टर की की बात बात करें करें तो तो बहुत बहुत बड़े बड़े स्तर स्तर पे पे छोटे छोटे बड़े बड़े इंडस्ट्री इंडस्ट्री को को लगाने लगाने की की का का लोन लोन दिया दिया जा जा रहा रहा है, है, और और उसमें उसमें बहुत बहुत जरूरी जरूरी है है कि कि हम हम जैसे जैसे एनालिटिकल एनालिटिकल लोग लोग हों, हों, और और ये ये फायदेमंद फायदेमंद होता होता है है बैंक बैंक के के लिए। लिए। और और साथ साथ ही ही साथ साथ अगर अगर देखे देखे हम, हम, तो तो इस इस तरह तरह से से मेरे मेरे द्वारा द्वारा बैंक बैंक को को एक एक इंडस्ट्री इंडस्ट्री मैनेजर मैनेजर मिलेगा, मिलेगा, एक एक ऑफिसर ऑफिसर तो तो मैं मैं हूं हूं ही, ही, और और एक एक फील्ड फील्ड ऑफिसर ऑफिसर भी भी बहुत बहुत अच्छा अच्छा मिल मिल जाएगा, जाएगा, कोई कोई सेपरेट सेपरेट फील्ड फील्ड ऑफिसर ऑफिसर की की नियुक्ति नियुक्ति नहीं नहीं करनी करनी पड़ेगी, पड़ेगी, तो तो इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन भी भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे से से कर कर पाऊंगा, पाऊंगा, एनालिटिकल एनालिटिकल रीजनिंग रीजनिंग भी भी मैं मैं बहुत बहुत अच्छे अच्छे से से कर कर सकता सकता हूँ, हूँ, लोन लोन देने देने के के समय समय में में बहुत बहुत अच्छे अच्छे से से इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट कर कर सकता सकता हूँ। हूँ। तो तो इससे इससे क्या क्या होगा होगा कि कि बैंक बैंक का का एसेट एसेट बहुत बहुत प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड रहेगा, रहेगा, प्रॉपर प्रॉपर मैं मैं उसकी उसकी सुरक्षा सुरक्षा कर कर पाऊंगा। पाऊंगा। बैंक बैंक का का एसेट एसेट मतलब मतलब क्या, क्या, लोन लोन जो जो आप आप दे दे रहे रहे हो, हो, ठीक ठीक है, है, तो तो और और उसके उसके कारण कारण जो जो एसेट एसेट जनरेट जनरेट हो हो रहा रहा है है बैंक बैंक के के पास, पास, तो तो उसका उसका प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रॉपर प्रॉपर हो हो पाएगा। पाएगा। तो तो एक एक तरह तरह से से मैं मैं देखूं देखूं तो तो मैं मैं एक एक फील्ड फील्ड ऑफिसर ऑफिसर भी भी बहुत बहुत अच्छा अच्छा बन बन सकता सकता हूँ, हूँ, साथ साथ ही ही साथ साथ मैं मैं एक एक इंडस्ट्री इंडस्ट्री मैनेजर मैनेजर भी भी बन बन सकता सकता हूँ, हूँ, और और साथ साथ ही ही साथ साथ जनरलिस्ट जनरलिस्ट ऑफिसर ऑफिसर तो तो मैं मैं हूँ हूँ ही, ही, इंटरनल इंटरनल मैनेजमेंट मैनेजमेंट तो तो मैं मैं देख देख ही ही रहा रहा हूँ। हूँ। तो तो एक एक तरह तरह से से देखें देखें कि कि एक एक इंजीनियर इंजीनियर को को लेकर लेकर 3 in 1 3 in 1 ऑफिसर ऑफिसर बैंक बैंक को को मिल मिल रहा रहा है, है, तो तो और और मल्टीफंक्शनरी मल्टीफंक्शनरी ऑफिसर ऑफिसर उनको उनको मिल मिल रहा रहा है। है। तो तो इस इस तरह तरह से से देखें देखें तो तो मैं मैं हमेशा हमेशा बैंक बैंक के के लिए लिए एक एक एसेट एसेट ही ही रहूंगा, रहूंगा, मल्टीफंक्शनरी मल्टीफंक्शनरी के के रूप रूप में में काम काम करता करता रहूंगा रहूंगा और और फायदेमंद फायदेमंद रहूंगा रहूंगा बैंक बैंक के के लिए लिए सर, सर, और और मेरा मेरा मेरी मेरी डिग्री डिग्री और और साथ साथ ही ही साथ साथ मैं मैं दोनों दोनों फायदेमंद फायदेमंद रहेंगे रहेंगे बैंक बैंक के के लिए, लिए, कभी कभी इससे इससे बैंक बैंक को को कोई कोई हानि हानि नहीं नहीं होगी। होगी। तो तो ये ये इस इस तरह तरह से से बोल बोल के के आप आप सबमिट सबमिट कर कर सकते सकते हैं हैं अपने अपने बात बात को। को। एक एक इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट बात बात जो जो मैं मैं कहना कहना चाहता चाहता हूँ, हूँ, याद याद रखिए रखिए दोस्तों, दोस्तों, फील्ड फील्ड ऑफिसर ऑफिसर या या स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट ऑफिसर ऑफिसर लिया लिया जाता जाता है, है, और और साथ साथ ही ही साथ साथ एक एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज चीज बता बता रहा रहा हूँ हूँ मैं मैं कि कि इंडस्ट्री इंडस्ट्री मैनेजर मैनेजर का का
ठीक है, वो इंडस्ट्री मैनेजर का भी काम मैं कर सकता हूँ। तो बस इस तरह से आप सबमिट कर सकते हैं अपने आप को, और मुझे लगता है कि आपका जो आंसर होगा उससे पैनलिस्ट जरूर खुश होंगे। और थैंक यू वेरी मच, और इससे आपको आपके जो पैनलिस्ट होंगे वो जरूर खुश होंगे इस आंसर से। और आगे और मैं और भी वीडियोस लाऊंगा जो कि कॉमन क्वेश्चन से रिलेटेड है जो फेस करते हैं बच्चे, जिसमें बोलने में दिक्कत होती है या नहीं तो कुछ कस्टमरी सा बोल देते हैं, कुछ ऐसा रट के रट्टा मार के जाते हैं बोल देते हैं जो कि बहुत इरिटेट कर सकता है किसी भी पैनलिस्ट को या उनको बोरिंग सा लग सकता है। तो मैं इस तरह के कॉमन क्वेश्चंस की सीरीज ला रहा हूं और इस तरह से चलता रहेगा, आपके इंटरव्यू में ये हेल्प करेगा, इन्फॉर्मेटिव होगा और आपको मोटिवेट भी करेगा बेटर आंसर प्रिपेयर करने में। और ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच।